नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। और भी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। 26 पूरे क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो वह कौन सा जिला है जिसका उत्तर दक्षिण में क्या है विस्तार है। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल भीलवाड़ा। भीलवाड़ा एकदम सही आंसर है, सभी का बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पर उदयपुर का जग मंदिर का निर्माण 3 राजाओं द्वारा किया गया था और उनका नाम अमित महाराज जगत सिंह के नाम पर रखा गया था, अन्य 2 राजाओं के क्या नाम थे। तो अन्य 2 राजाओं के क्या नाम थे, तो आपको देना होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, होगा महाराजा करण सिंह। तो उन 2 राजाओं का नाम क्या था, महाराजा करण सिंह सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा डिंगल। क्या होगा, डिंगल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, रणकपूर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपूर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, वह है मताई नदी के तट पर। रणकपूर जैन मंदिर मताई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मादलिया पहना जाता है, तो मादलिया कहाँ पर पहना जाता है, बताइएगा जवाब इसका। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न का गले पर, तो मादलिया गले पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सक्रिया नृत्य किस से संबंधित है। राजस्थान का सक्रिया नृत्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वह है आपके कालबेलिया से संबंधित। राजस्थान का सक्रिया जिला नृत्य किस से संबंधित है, तो वो कालबेलिया से नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व में की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत भी आंसर आएगा इसका, 99% विद्यार्थी इसका गलत आंसर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दशहरा सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, बताइएगा जल्दी से, पद्मणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ हैं। पद्मणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ हैं, तो वह है राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखित है ये ग्रंथ। ओके, चलिए अगला प्रश्न में, राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में, तो इसमें से आपको बताना है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, बिल्कुल सही है, उनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, उन्होंने सही है बिल्कुल। बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे, ये भी सही है। जबकि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री बने थे वोरतर राजस्थान के, तो ये क्या होगा गलत, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का, असत्य ढूंढना था। अगला है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया, तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा गया। किसको, मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता जी को कहा गया चिड़ावा का गांधी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, तो सही जवाब होगा करक रेखा। तो सही जवाब है करक रेखा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब, तो करणी माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, करणी माता का जो मेला है वह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इनमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन है 2 ऑप्शन में, बी और डी में, तो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, जैसलमेर और जोधपुर सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका,
जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कौन से लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, गोगा जी महाराज को जाना जाता है। गोगा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वह मान्यता प्राप्त है जिलानी माता को। किसको? जिलानी माता सही जवाब होगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है जिलानी माता, उनका सही जवाब है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर। किसके? बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। सॉरी दोस्तों, जैसलमेर होगा, रूणी जा जैसलमेर। ओके जी बिल्कुल, यहाँ पर थ्री ऑप्शन नहीं होकर के यहाँ पर जैसलमेर होगा, सॉरी। ओके चलिए, इट्स ओके। चलिए अगला प्रश्न है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? बताइए, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब होगा सभी स्टूडेंट का गुजर प्रतिहार। क्या हो जाएगा? गुजर प्रतिहार सही जवाब है, जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन ए, एकदम सटीक आंसर है सभी का। अगला प्रश्न है आपका, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है मित्रों? तो आपका सही जवाब है तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए, वो है गणगौर। गणगौर सही जवाब होगा। होली के मतलब पकवाड़े का मतलब क्या होता है? 15 दिन, तो 15 दिन बाद मनाया जाता है गणगौर लगभग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब देंगे किसका? बिल्कुल सही है, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा, बिल्कुल ओके, हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्य रत्न, बताइए नृत्य रत्न कोष की रचना किसने की? तो नृत्य रत्न की जो कोष की जो रचना है वो किन्होंने की थी? तो वह की थी कुंभा जी ने। किन्होंने? कुंभा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर है, बिल्कुल कुंभा एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचाने। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट से, बाल मुकुंद बिस्वा उत्तर उदयपुर रियासत, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। जग नारायण व्यास जोधपुर रियासत बिल्कुल सही है, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत बिल्कुल सही है, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत बिल्कुल सही है। आपका जो ऑप्शन ए है वह गलत युग्म है, तो इसी प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो बताइए 1351, 1451, 1551, 1651, किन में? बताइएगा जल्दी से। तो आपका सही जवाब क्या होगा मित्रों, भाई और बहनों सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो आपसे सभी का राइट आंसर है 1451, 1451 सही जवाब होगा। जाम्बो जी का जन्म जो हुआ था वह 1451 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? राजस्थान की सीमा कितने राज्य से जुड़ी हुई है? तो जल्दी से सही जवाब दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, गुड। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को पता है बिल्कुल, ओके तो बिल्कुल सही जवाब है, गुड। पता है कौन कौन से राज्य? जैसे कि एमपी हो गया, यूपी हो गया, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिल्कुल हो गए 5। तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का 5, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर कीजिए। अब आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट लिख दीजिए, किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट लिख देंगे, उसका कमेंट का हल आपको मैं ज़रूर दूंगा। हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ मैं, और आपके भविष्य के लिए बिल्कुल जो भी क्वेश्चन चाहिए आपको वो कमेंट कर दिया करो कि सर हमें इस प्रकार की वीडियो चाहिए, उस प्रकार की वीडियो लाएंगे। जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।